इसे सेटिंग कर लीजिए आप हेलो, गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आप, आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू किया जा सके <coughs> जैसा कि आपको पता ही है थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग आज ऐप पे क्लास नहीं हो पाया इसलिए हम लोग आज यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं और इससे जस्ट आगे हम लोग जो होंगे आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे पुनः ऐप पे ही क्लास कंटिन्यू किया जाएगा ठीक है बच्चे तो देखिए एडवांस मैथ में इससे पहले जो हुआ था मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा के गए थे आपको ऐप पे और YouTube पे मैंने बच्चे आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया था फिर इसके बाद धनंजय सर आपको क्लास को कंटिन्यू कर दिए और अलजेब्रा आपको ऐप पे पढ़ा रहे हैं तो ऐप पे धनंजय सर ही आपको अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे ठीक है अब बच्चे हम यहाँ से क्या करेंगे ज्योमेट्री से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को बच्चे मैंने क्या आपसे कहा कि ज्योमेट्री से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो ज्योमेट्री एंड ये पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और तब फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे टिक्नोमेट्री पे आ जाएंगे ठीक है बच्चे चलिए आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए गुड मॉर्निंग सर बिल्कुल गुड मॉर्निंग जल्दी से आप लोग लाइव आइए ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू किया जा सके बच्चे ओके <coughs> okay, राजा कुमार खा सोनी श्रेया सिंह सबको बिल्कुल गुड मॉर्निंग चलिए बच्चे देखिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चे हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्री यानी कि आपका बच्चे ज्यामिति। ठीक है बच्चे देखिए अगर बच्चे मैं इसके वेटेज के बारे में अगर बात करूं आपसे डिस्कस करूं कि क्या इसका वेटेज है कैसे क्या है तो देखो बच्चे ज्योमेट्री एंड मैंसन अगर मैं आपसे कहूं ज्योमेट्री एंड मैंसुरेशन अगर दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए जा बच्चे तो समथिंग आप मान लीजिए फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन जो एडवांस मैथ्स के होते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन जो एडवांस मैथ्स के होते हैं उसमें मात्र दो ही टॉपिक से से आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद है बच्चे आप समझ गए होंगे इन बातों को कि इनका वेटेज कितना है साथ में बच्चे मैं आपको एक बात और बता दूं अभी आपका सी का भी एग्जाम चल रहा है तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर हम लोग आगे सारी बातों को लेकर चलेंगे और पुनः आपके पास पता ही है दिसंबर में रेलवे एनटीपीसी का अगर सब कुछ सही रहा तो पंद्रह दिसंबर से हो सकता है कि रेलवे एनटीपीसी का बच्चे आपका एग्जाम हो ठीक है बच्चे अच्छा विशाल जी कह रहे हैं कि ज्योमेट्री सर बहुत वीक है बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए ज्योमेट्री कितना भी आपका वीक होगा बच्चे हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे ठीक है चलिए चलो बच्चे अब जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को ठीक है बच्चे चलिए देखिएगा ज्योमेट्री बेटा आपको पढ़ना क्या है तो अगर पहले नंबर पे अगर मैं बात करता हूं बच्चे तो आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं एवं कोण बच्चे दूसरे नंबर पे जो आपका है बच्चे वो आपका है ट्रायंगल ट्रायंगल यानी कि बच्चे आपका त्रिभुज ठीक है बच्चे तीसरे नंबर पे जो बच्चे आपके पास हैं वो आपके पास है क्वाड्रिलेटरल ठीक है, यानी कि बच्चे आपका चतुर्भुज ठीक है इसके बाद बच्चे जो आपका नेक्स्ट है वो आपका है बच्चे सर्कल ठीक है बच्चे और इसके बाद जो आपका होगा जो आपका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चे ये जो आपका सिलेबस है ये आपके हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कुल मिलाकर बच्चे ज्योमेट्री का आपका सिलेबस का डिस्कशन कुछ इस प्रकार से है इसके बाद पुनः हम जब मेन्सुरेशन की बात करेंगे तो आगे उन सारी बातों को पुनः हम डिस्कस करेंगे ठीक है अब देखिए अगर मैं बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं बच्चे मैंने क्या आपसे कहा कि अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जो बच्चे आपका लाइन एंड एंगल्स जो है इससे बहुत ही न के समान क्वेश्चन आता है आप भी इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं हर एक टॉपिक जो मैंने आपसे लिखा है वो हर एक चीज़ को मैं आगे डिस्कस करूंगा बच्चे लेकिन जो आपका लाइन एंड एंगल्स है उसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चे यानी कि आपको ज्योमेट्री को लास्ट में हम क्या करेंगे लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका बच्चे इंपॉर्टेंट है वह आपके पास है ट्राइंगल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे अगर ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं हालांकि सर्कल भी बच्चे पास काफ़ी आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे ठीक है तो देखिए बच्चे मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चे? तो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो आप लोग जालिए हेडिंग ट्रायंगल यानी कि आपका बच्चे त्रिभुज डालिए बच्चे पहला टॉपिक का नाम है आपका ट्रायंगल ट्रायंगल बच्चे यानी कि त्रिभुज ठीक है हम लोग त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे अब देखिए इसमें भी बच्चे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें देखिए बच्चे ज्यादा जो आपका देखो मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द एंगल ऑफ द ट्राइंगल ये आपका मान लो सपोज कि कोई एक ट्राइंगल दे रखा है कह देगा बच्चे ये एंगल दिया है ये एंगल दिया है वो एंगल निकालना है या कुछ भी बनाकर आपको दे देगा ठीक है तो इससे भी आप समझते हैं कि अब क्या हुआ है धीरे धीरे एग्जाम का लेवल इतना आगे बढ़ते जा चुका है बच्चे कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बच्चे अब अप टू काफी ज्यादा अगर कहें मैं आपसे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने लगे हैं बच्चे ठीक है अब वो जमाना नहीं है कि आसान आसान क्वेश्चन पूछ के आपसे छोड़ दिया जाता है ठीक है तो बच्चे यहां हम स्टार्ट क्या करते हैं एक काम करते हैं बच्चे सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है वो आपका है बच्चे सिमिलरिटी तो हम लोग सिमिलरिटी से ही ट्राइंगल में बैच को स्टार्ट कर रहे होंगे ठीक है और देखिए जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को ऐप पे भी जो क्लास होगी वो यहीं से कंटिन्यू होगी अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पुनः ये सारी चीजें हम ऐप पे भी दोबारा बताएंगे तो ऐसा नहीं होगा बच्चे इसलिए आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा बच्चे ठीक है पार्टी कब दीजिएगा सर बच्चे पार्टी काहेगा हमें तो आज तक समझ में नहीं आया बच्चे चलिए तो बच्चे डालिए हेडिंग आप लोग सबसे पहला आपका है सॉरी सबसे पहले बच्चे आपका है सिमिलरिटी बच्चे सिमिलरिटी यानी कि आपका हो गया समरूपता ठीक है या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज में बच्चे जो सिमिलरिटी की बात की जाती है वो क्या है कैसे है उन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुना मेरी बातों को एवरीबडी एकदम बेसिक से लेकर हम लोग चलेंगे बच्चे अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिमिलरिटी होता क्या है ये समरूपता है क्या तो बच्चे देखो सिमिलर का मतलब क्या होता है सेम टू सेम तो बच्चे यहां पे मतलब ये हो गया सिमिलरिटी का मतलब सेम टू सेम हु बट आकार में छोटा या वरा उसी को बच्चे हम लोग सिमिलरिटी कहते हैं बच्चे इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लो सपोज कि हम लोग पांच फुट या छह फुट के होते हैं और जो बच्चे अपने मोबाइल में जो पिक्चर होता है उसमें आप देखते होंगे कि आपकी साइज चाहे जितनी भी हो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन होगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चे दस सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर इससे ज्यादा तो नहीं होगा बच्चे ठीक है या फिर होगा आपका बच्चे से जितना भी हो जाए तो मतलब आप कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि आप दस सेंटीमीटर के ही हैं आप बीस सेंटीमीटर के ही हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बच्चे लेकिन वो फोटो तो बच्चे आप ही का है ना हाँ बिल्कुल वो फोटो आपका ही है तो मतलब बच्चे वो फोटो आपका ही है लेकिन साइज में क्या हो गया छोटा या बड़ा इसी को बच्चे हम क्या कहेंगे सिमिलर कह देंगे समझ पाए मेरी बातों को जैसे मान लो अपना नरेंद्र मोदी आप तो जानते ही होंगे उसे देखिए जब कहीं भी आपका कहीं भी अगर आप देखोगे रैली वगैरह जब लगता है तो नरेंद्र मोदी का पचास पचास फीट का उनका पिक्चर लगा हुआ होता है पता ही है लेकिन क्या नरेंद्र मोदी पचास फीट के हैं क्या वो तो बेचारे पांच ही फीट के हैं लेकिन है तो उन्हीं का फोटो ना तो मतलब वो जो उनका फोटो है वो प्लस अगर मैं आपसे कहूं उनका जो फोटो है वो और नरेंद्र मोदी खुद ही अपने दोनों आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे उम्मीद है आप इन बातों को समझ चुके होंगे अब इन्हीं बातों को हम ट्रायंगल में कैसे बात करते हैं जरा इन बातों को ध्यान से समझना बच्चे देखो अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं ठीक है बच्चे एक ट्रायंगल आपका ये हो गया मान लो बच्चे एक ट्रायंगल आपका ये है दो ट्रायंगल आपके पास है बच्चे ध्यान से सुनते रहना बच्चे मेरी बातों को किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम होते हैं अर्थात मैं आपसे कहूं बच्चे कि अगर यह ट्रायंगल जो आपका है एबीसी है और यह ट्रायंगल आपका डीई एफ है ठीक है बच्चे तो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल एटोमेटिक इक्वल हो जाएगा क्योंकि तो यह बात तो आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है बच्चे तो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो एंगल आपका ये वाला एंगल सपोज इस वाले एंगल के बराबर है यह आपका जो बच्चे दूसरा एंगल है यह दूसरे एंगल के बराबर होंगे तो जब किसी भी त्रिभुज के अगर दो एंगल बराबर हो गए तो बच्चे तीसरा एंगल जो आपका होगा वो एटोमेटिक क्या हो जाएगा तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा तब बच्चे क्या होंगे तब दोनों का दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएंगे बच्चे अर्थात मैं इन बातों को कह सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी सिमिलर है समरूप है त्रिभुज ठीक है बच्चे उम्मीद है आप इतनी सी बातों को समझ चुके होंगे ठीक है यानी कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा अर्थात तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे बच्चे सिमिलर हो जाएंगे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे अब बच्चे हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में अब ध्यान से बच्चे सुनना मेरी बातों को एवरीबडी देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है जरा ध्यान से देखिएगा मान लो बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं पहला ट्रायंगल बच्चे आपके पास ये है और दूसरा ट्रायंगल बच्चे आपके पास ये है देखो बच्चे ध्यान से ये ट्राएंगल है आपका ए बी और सी और ये ट्राइंगल है बच्चे आपके पास डी ई एफ तो दो, देखो बच्चे इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्या कि अगर मान लो बच्चे किसी भी ट्राइंगल के किसी भी दो ट्राइंगल के अगर बच्चे दो एंगल बराबर है मान लो कि अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल बच्चे इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो जो तीसरा एंगल होगा वो एटोमेटिक तीसरे एंगल के क्या हो जाएंगे बच्चे बराबर हो जाएंगे ठीक है बच्चे अब जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को तो मैं ये बातें कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए सिमिलर है ट्राइंगल डीई एफ e के ठीक है बच्चे अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है तो बच्चे जो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके कोरोस्पॉ साइड्स की जो रेशियो होती है वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं पहली प्रॉपर्टी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो होती है वो आपस में बराबर होते हैं तो बच्चे इसका मतलब ये होगा कि देखो अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं देखिए जो आपका एक लाइन खींचा हुआ है उसका बच्चे मतलब आप ये समझना कि वो एक एंगल है जो आपका डबल खींचा हुआ है यहां पे तो दो एंगल कहेंगे हम आपको और जो आपका थ्री मैंने खींच रखा है इसको हम थ्री एंगल बात करेंगे तो जरा ध्यान से सुना बच्चे देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसे हम रेशियो रेशियो साइड की के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो बच्चे देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे दो और तीन या फिर आप ऐसे कह लो बच्चे कि एक एंगल के सामने वाली साइड क्या है तो एक एंगल के सामने वाली साइड क्या है आपके पास बीसी अपॉन बच्चे इस वाले ट्रायंगल में एक एंगल के सामने वाली साइड क्या है आपका ई एफ एक एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी बच्चे EF. इनका रेशियो हो। बराबर होगा बच्चे दूसरे एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई तो बच्चे दूसरे एंगल के सामने वाली साइड आपकी है एसी और यहां बच्चे दूसरे एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो आपका क्या हो जाएगा डीएफ बराबर है बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड ए बी और यहां बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी एफ तो बच्चे इन सब का रेशियो जो होगा वो आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा इसकी पहली प्रॉपर्टी है उम्मीद है बच्चे आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर ऐप पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है बच्चे इसीलिए क्लास यूट्यूब पे लगाया गया है थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण ऐप पे क्लास नहीं हो पा रही है तो इसीलिए बच्चे यहां पे, पे क्लास लगाई गई है आप समझ तो घुमाकर अगर बात करूं आपसे ठीक है बच्चे कि अगर ये आपका एबीसी बहुत आसान आसान दिख रहा है डीईएफ दिख रहा है अगर घुमा के लिख दिया जाए तो क्या करेंगे बच्चे ठीक है तो जरा ध्यान से देखना पहले इसके साइड का जो रेशियो हो जाएगा अर्थात क्रोस्पोंडिंग साइड की जो रेशियो होगी जो बच्चे क्रोस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशियो होगी वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे बराबर होंगे इज इक्वल टू त्रिभुज एबीसी का पेरीमीटर अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का पेरीमीटर मतलब बच्चे क्या होगा कि इसके पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा समझ पाए मेरी बातों को हाँ बिल्कुल इसके बच्चे क्या होंगे साइड के कॉरस्पोंडिंग साइड के रेशियो भी सेम होंगे और इसके पेरीमीटर का रेशियो भी क्या होगा बच्चे सेम होगा ज इक्वल टू देखो बच्चे इसके एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग जो एल्टीट्यूड होगा उसका भी रेशियो आपस में क्या होंगे बच्चे बराबर होंगे जैसे कि बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं ध्यान से आप सुनेंगे मेरी बातों को देखिए बच्चे कमेंट पे आप बिल्कुल अभी ध्यान मत दे अभी सिर्फ आप पढ़ाई करें कमेंट की बातें जो होंगी वो बाद में होंगी ठीक है बच्चे जरा ध्यान से देखो बच्चे एक एंगल से अगर मैं एक एल्टीट्यूड खींचता हूं सामने वाली साइड पे हाइट

तो यहां भी बच्चे एक एंगल से ही एल्टीट्यूड होना चाहिए अर्थात यहां बच्चे एक एंगल से जो एल्टीट्यूड है वो आपका एच टू तो मैं बच्चे ये कह सकता हूं कि एच वन अपॉन जो बच्चे एच टू है इसका रेशियो भी आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए इज इक्वल टू अब बच्चे ये तो एल्टीट्यूड की बात हो गई अगर मैं आपसे कहता हूं मीडियन मीडियन तो आपको पता होगा ना बच्चे कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है अगर यहां से बच्चे एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देते हैं बच्चे सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला देंगे बच्चे तो ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा अर्थात माधिका हो जाएगी तो बच्चे इसके जो मीडियन होंगे अगर बच्चे मैं कहूं कि यहां से बच्चे एक की मीडियन खींच दिया जाए यहां से एक मीडियन अगर मैं खींच देता हूं एक ही एंगल से खींच रहा हूं बच्चे तो मीडियन होगा तो बच्चे ये दोनों का दोनों आपस में बराबर होंगे तो सामने वाली साइड से अगर यहां भी मीडियन खींच दिया जाए और सामने वाले एंगल से अगर ये भी मीडियन अगर खींच दिया जाए बच्चे तो इन दोनों के मीडियन का रेशियो भी आपस में क्या होंगे बच्चे बराबर होंगे अगर इसका एम वन डाल दूं और इसका एम टू डाल दूं बच्चे ये आपका मीडियन कह दिया मैंने एम वन और इसका मीडियन बच्चे मैंने कह दिया आपसे एम टू तो मीडियन का रेशियो भी आपस में क्या होगा बच्चे बराबर होंगे ठीक है जी हां बिल्कुल हां मीडियन का रेशियो भी बच्चे इक्वल होगा ठीक है अगर बच्चे मैं आपसे कहूं एंगल बाई सेक्टर अगर बच्चे मैं आपसे कहूं एंगल बाई सेक्टर ठीक है बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एंगल बाई सेक्टर का रेशियो क्या होगा एंगल बाई सेक्टर सब कुछ तो एंगल बाई सेक्टर जरा ध्यान से देखना एंगल बाई सेक्टर क्या होता है कि मान लो बच्चे अगर कोई ट्राइंगल यहां पे है तो बच्चे यहां पे जो सामने वाली आपका एंगल है यहां से अगर इसको एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो बच्चे ये वाला एंगल यहां भी इस वाले एंगल के बराबर होगा तो ये जो एंगल बाई सेक्टर का जो है बच्चे तो उसका भी रेशियो आपस में क्या होगा सिम होगा मतलब मैं आपसे कहूं कि पहले वाले का एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर पहले वाले का फर्स्ट अपॉन एंगल बाई सेक्टर ऑफ यानी कि दोनों के एंगल बाय सेक्टर का रेशियो भी क्या होगा बच्चे सेम हो जाएगा उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ चुके होंगे मैंने पे क्या-क्या बच्चे आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा साइड का रेशियो सेम होगा पेरीमीटर का रेशियो सेम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हाइट मीडियन या क्रस्पॉन्डिंग एंगल बाय इन सब का रेशियो क्या होगा बच्चे सेम हो जाएगा उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे चलिए आगे फिर हम डिस्कस करते हैं बच्चे अच्छा बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं एरिया के बारे में कि एरिया कैसे होगा जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं ठीक है बच्चे अगर मैं इसके एरिया के बारे में बात करता हूं तो जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को देखो बच्चे एरिया के अगर मैं बारे में डिस्कस करूं एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बातों को तो देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस इंटू हाइट तो जरा ध्यान से देखना बच्चे हाफ तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है यानी उसकी जो एरिया है वो डिपेंड करेगा बेस पे और आपका बच्चे किस पे हाइट पे और जो बेस है वह उसका एक साइड तो है उसी के सामने वाला बच्चे यहां भी है और यहां भी इसका बेस जो होगा इसके सामने वाली साइड होगी मतलब बच्चे मैं ये बात कह सकता हूं कि उसके जो क्रॉस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे क्योंकि बेस जो क्या हो गया उसका क्रॉस्पॉन्डिंग क्रॉसबॉन्डिंग साइड हो गया बच्चे क्या उसका बेस अब अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो ये तो बच्चे क्रॉसबॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो गया मतलब ये है कि बच्चे एक रेशियो आपको ये देकर जा रहा होगा और एक रेशियो आपको ये देकर जा रहा होगा ठीक है बच्चे एक रेशियो आपका ये देगा और एक रेशियो बच्चे आपको हाइट देगी एक रेशियो आपका बेस देगा और दोनों का रेशियो क्या होगा बच्चे तो दोनों का रेशियो भी आपस में क्या होंगे सेम होंगे ये बात तो आपको पता ही है जब दोनों का रेशियो सेम होगा और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे मान लो ना बच्चे कि इन दोनों का बेस का रेशियो भी टू इज टू थ्री है ठीक है और इसकी हाइट के रेशियो भी टू इज टू थ्री है तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं दो का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकता क्या मैं डायरेक्ट इसको तीन का स्क्वायर नहीं कर सकता बिल्कुल बच्चे हम लोग दो का स्क्वायर कर देंगे और तीन का भी स्क्वायर कर देंगे तो मतलब बच्चे ये है कि यहां से सीखने वाली बात बच्चे आपके पास ये आई यहां से बच्चे सीखने वाली बात आपके पास ये आई क्या कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल एवीसी अपॉन एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राएंगल डी ई एफ ये क्या होगा बच्चे तो आप ऐसे कह दो जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके बच्चे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे उनके रेशियो का स्क्वायर कर लो तो एरिया के बराबर हो जाएगा या फिर बच्चे आप एक काम कर लो जो आपका एल्टीट्यूड है जो आपकी बच्चे हाइट है तो जो आपका हाइट का जो रेशियो था उसका स्क्वायर कर लो तो वो भी एरिया के बराबर हो जाएगा या फिर बच्चे उसके मीडियन के स्क्वायर कर दो मीडियन के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तब भी बच्चे आ जाएगा आपके पास या फिर बच्चे आपसे हम कहें कि उसके पेरीमीटर का रेशियो पहले का पेरीमीटर अपॉन दूसरे का पेरीमीटर इसका भी स्क्वायर का कर लो मतलब जो आपने देखा है कि जो साइड्स के अकॉर्डिंग जितने भी रेशियो था उन सब के रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें एरिया का रेशियो आ जाएगा बच्चे ठीक है समझ पा रहे मेरी बातों को यानी एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जितने भी साइड्स थे आपके पास साइड्स थे एल्टीट्यूड था मीडियन था था एंगल बाई सेक्टर था उन सब के रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा ठीक है बच्चे अब इसी का जस्ट अपोजिट अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया का रेशियो दिया हुआ है जरा ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बातों को एरिया का रेशियो दिया हुआ है और इन सब का रेशियो पूछा जाए उल्टा अगर आपसे कहा जाए तो बच्चे एरिया देकर अगर साइड का रेशियो पूछ लिया जाएगा तो स्क्वायर का जस्ट उल्टा क्या होता है बच्चे तो स्क्वायर का जस्ट उल्टा होता है बच्चे स्क्वायर रूट अर्थात बच्चे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को ठीक है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे जैसे मान लो बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं पहले वाले का एरिया का पहले वाले का जो एरिया है वो आपका मान लो बच्चे फोर सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेकेंड वाले का जो एरिया है वह आपका बच्चे हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे अर्थात चार का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चे दो और यहां नौ का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा तीन तो यही बच्चे उसके साइड का रेशियो आ जाए या पेरीमीटर का या फिर मीडियन का या फिर एल्टीट्यूड का उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे चलिए बताए बच्चे अभी तक इन बातों को समझने में किसी बच्चों को दिक्कत है एवरीबॉडी यस एंड नो में बच्चे कमेंट करके बताएं क्या अभी तक किन्हीं बच्चों को समझने में दिक्कत है क्या ताकि बच्चे मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकूं यस सर क्लियर है अच्छे से अच्छे से यस सर बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश उम्मीद है आप सारे बच्चों को अच्छे तरीके से हम ये बातें समझ समझा पाए होंगे ठीक है बच्चे चलिए अब जरा ध्यान से बच्चे आगे सुनना मेरी बातों को ठीक है जरा ध्यान से बच्चे सुनिएगा मेरी बातों को अगर मैं आपसे कहूं बच्चे यह आपका एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल बच्चे आपके पास ये है इसका नाम है बच्चे आपका ए बी सी और इस ट्रायंगल का नाम है बच्चे आपके पास डी ई एफ ठीक है बच्चे अब देखो जरा ध्यान से सुनो मेरी बातों को अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि मान लो अगर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है ये दूसरा वाला जो बच्चे एंगल है क्या होंगे कि ये जो तीसरा वाला एंगल होगा आपका बच्चे इस तीसरे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ठीक है बच्चे तो अब फिर से हमें वही दिमाग में रखना है बच्चे कि एक एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी तो एक एंगल के सामने वाली साइड यहां पे बी है और यहां बच्चे एक एंगल के सामने वाली साइड जो आपका है वो आपका है बच्चे डी ऐसा नहीं है कि रट के बैठना है कि बीसी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी ऐसे कुछ नहीं रटना है बच्चे आपको एंगल को देखना ही पड़ेगा ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूं दूसरा एंगल दूसरे एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई एसी और यहां पे बच्चे दूसरा एंगल कौन है तो दूसरा एंगल बच्चे आपके पास ये है तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी बराबर तीसरे एंगल के सामने वाली साइड बच्चे होंगे आपके पास ए और यहां बच्चे तीसरे एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी तो डी और ई तो यही बच्चे आपका आ जाएगा तो मेरा कहने का बच्चे मतलब ये था कि किसी भी हालत में समझ पाए मेरी बातों को किसी भी हालत में आप क्या करेंगे आप सिर्फ एंगल को देखेंगे और एंगल के अकॉर्डिंग साइड के रेशियो की बात कर देंगे ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे इन छोटी सी बातों पे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चनों को उठाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे बातों को देखिए बच्चे ये बेसिक चीजें हमको इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो हर एक बेसिक बातों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि बिना बेसिक से हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते सीधा क्वेश्चन पे नहीं आ सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पहली बार आए होंगे पढ़ने के लिए ये नो बच्चे तो उन सारे बच्चों को भी समझ में अच्छे तरीके से आना चाहिए चलिए देखिए जरा ध्यान से आप लोग अगर मैं आपसे कहता हूं देखिए मान लीजिए बच्चे एक ट्रायंगल आपके पास ये है एक ट्रायंगल आपके पास ये है ठीक है ये त्रिभुज आपके पास बच्चे ABC, और ये त्रिभुज बच्चे आपके पास देखिए जितनी बातें मैंने बताई है उसको नंबर पे हम लोग क्या करते हैं खेलना चालू करते हैं जैसे आप बच्चे नंबर से खेलना चालू करोगे सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका ठीक है देखिए मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अगर आपसे कहा जाए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है बच्चे अब अगर आपसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जाए पहला नंबर या फिर एक चीज आपसे और दिया जाए एफ ए जो है इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ठीक है बच्चे फाइंड अच्छा जरा ध्यान से देखना बच्चे मैं आपसे एक चीज हिंट कर देता हूं कि ये वाला एंगल जो है बच्चे इस वाले एंगल के बराबर है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो एटोमेटिक बच्चे की तीसरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा तीसरे एंगल के बराबर हो जाएगा अब देखो मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इफ ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर देन फाइंड क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका पहला है डी एफ इज इक्वल टू क्या होगा पहला क्वेश्चन दूसरा ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा ठीक है बच्चे तीसरा बी सी इज इक्वल टू क्या होगा और चौथा आपसे अगर कहा जाए कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीई एफ इज इक्वल टू क्या होगा ये चार क्वेश्चन बच्चे मैंने आपसे लिख दिया सामने ठीक है देखो जनरली <coughs> आप लोग गलती क्या कर बैठते हैं बच्चे क्वेश्चन देखते हैं कंसेप्ट का ध्यान में बिना रखे बिना हम लोग सॉल्व करना चालू कर देते हैं चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खट से आंसर निकाल देते हैं ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं ये सो बच्चे चाहे पता ही नहीं हमें वहां पे क्या निकाल पाएंगे क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते इन किसी बातों को ध्यान में न रखते हुए डायरेक्ट आप सोल्व करना चालू कर देते हैं देखिए जरा ध्यान से बच्चे मेरी बात को सुनना पहले वाले का जो एरिया है पहले वाले का बच्चे एरिया कितना है तो पहले वाले का जो एरिया है वो दिया हुआ है बच्चे सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाले का एरिया बच्चे क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है तो अगर बच्चे इसका एरिया का रेशियो पूछा है तो या तो हम साइड का रेशियो पूछ लें या पेरीमीटर का रेशियो या एल्टीट्यूड कब कॉरसपॉन्डिंग की अगर बात करेगा तब तब बच्चे उस कंडीशन में क्या होगा कि या तो उसके बच्चे साइड का रेशियो हो जाए लेकिन बच्चे ये सब के सब कॉरपोन्डिंग की हम बात करेंगे यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉरपॉन्डिंग एल्टीट्यूड समझ पाए ना मेरी बातों को यानी संगत भुजा संगत ऊंचाई तो बच्चे इसकी साइड की रेशियो क्या हो जाएगी तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगी बच्चे कोरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाओं का जो रेशियो हो जाएगा वो फोर इज टू कितना आ जाएगा बच्चे फाइव चलो ठीक है यहां तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं है अब जरा ध्यान से देखो बच्चे कि पहला वाला क्वेश्चन में अपने एक चीज और आपको दिया है हिंट कि ए बी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर एबी की लंबाई बच्चे कितना है आपके पास ट्वेल्व सेंटीमीटर है एबी की लंबाई बच्चे आपके पास दिया गया था कि ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एबी की लंबाई जो ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो बच्चे ए बी है किसके सामने एंगल तीसरे के सामने वाली साइड एंगल तीसरे के सामने वाली साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर है तो जरा ध्यान से देखो अगर मैं पहले वाले के अकॉर्डिंग चलता हूं तो ये चार का मान हमारे पास बारह दिया था चलो ठीक है तीन गुना हुआ तो बच्चे क्या करेंगे खट से तीन से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और कहेंगे कि सर पंद्रह आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा पंद्रह आंसर आ जाएगा कब तो बच्चे पंद्रह आंसर किसका होगा तो ठीक है तीसरे एंगल के जो सामने वाली साइड होगी उसी की ना तो तीसरे एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगा आपके पास डी अर्थात डी की लंबाई बच्चे पंद्रह आ जाएगा ये सब के सब हम रेशियो से तोड़ रहे हैं बच्चे और रेशियो आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं बच्चे आपको पता है कि अभी तक आई थिंक हमें लग रहा है दो तीन महीने से आप लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो धनंजय सर आपको अच्छे तरीके से आपको अर्थमेटिक पढ़ाए होंगे तो बच्चे देख अगर मैं ज्योमेट्री चालू किया हूं ना तो यहाँ रेशियो पे थोड़ा कमांड होना जरूरी है बच्चे रेशियो में एक चीज आपको पता होगी कि कोई भी बच्चे रेशियो में कोई भी चीज दिया हो समान संख्या से गुना या भाग कर देंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे ठीक है लेकिन कभी भी उसमें प्लस या माइनस नहीं कर सकते तो बच्चे रेशियो में दिया था साइड का रेशियो आ गया था फोर टू फाइव यानी पहले वाले की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, की रेशियो ही पूछ रहा था तो चार की वैल्यू बारह दिया था तीन गुना तो बच्चे पांच की वैल्यू कितनी हो जाएगी पंद्रह क्योंकि जो पूछा गया था वो कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा गया था बच्चे लेकिन जरा ध्यान से सुनना बच्चे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जिन भी बच्चों का पंद्रह है उन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है बच्चे अब देखो अगर आपसे बच्चे कहा जाए ध्यान से सुनना पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर उम्मीद है आप सारे बच्चों के आ गए होंगे ठीक है अब जरा ध्यान से देखो बच्चे दूसरे नंबर क्वेश्चन उसने पूछा ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा तो बच्चे जरा ध्यान से सुनो ई एफ क्या है ई एफ जो आपके पास है बच्चे ई एफ वह है एक एंगल के सामने वाली साइड और यहां बच्चे क्या होगा एक एंगल के सामने वाली साइड क्या आपको दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है बच्चे यहां पे एक एंगल के सामने वाली साइड ना देकर और यहां पे बच्चे उसने क्या कर लिया एक एंगल के सामने वाली साइड पूछ ली तो मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका आंसर क्या होगा तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड तय नहीं किया जा सकता समझ पाए मेरी बातों को क्योंकि भाई यहां सिर्फ 4:5 उसके करस्पोंडिंग साइड का रेशियो है चलो ठीक है मैं मान लेता हूं कि इसकी साइड अगर 4 होगी रेशियो में तो इसकी बच्चे क्या होगी 5 देखो रेशियो को हमेशा बच्चे हम क्या करेंगे सर्कल में कर देंगे हमेशा इस बात को ध्यान रखना तो ये बातें चलो ठीक है इसकी साइड 4 होगी तो इसकी साइड 5 होगी क्या आपको इसकी साइड पता है नहीं पता है बच्चे तो जब बच्चे इसकी साइड आपको नहीं पता है तो इसकी साइड आप कैसे निकाल दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड तय नहीं किया जा सकता लेकिन आप लोग क्या करेंगे कुछ भी हो जाए गुरु जी हम तो आंसर निकाल ही देंगे यही तो बात होती है बच्चे इंग्लिश में सबसे बढ़िया अगर बच्चे क्वेश्चन का आंसर नो इरड़ भी है तब भी आपका कहेंगे अरे ऐसे कैसे नो no इरड़ है मतलब गलत तो कहीं ना कहीं हम ही होंगे हम तो इरड़ खोज ही देंगे अगर ग्रामेटिकली इरड़ नहीं मिला तो स्पेलिंग में ही इरड़ खोज देंगे यही काम आप लोग करते हैं बच्चे लेकिन आपको जरा ध्यान रखना है कि हम कहां पे निकाल पाएंगे और कहां पे नहीं निकाल पाएंगे यहां बच्चे साफ साफ क्लियर है कि हम लोग नहीं निकाल पाएंगे समझ पाए क्योंकि हमें दिया नहीं है बच्चे साइड का रेशियो अब बच्चे कुछ बच्चे के तो आंसर भी आए थे भगवान जाने कैसे आंसर आ गए चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया क्लियर अब तीसरे क्वेश्चन में बच्चे देखो बीसी तो बच्चे बीसी कहां पे हमारे पास ये बी अच्छा बच्चे इसका दिया हुआ है और इसके बारे में पूछा जाए कुछ भी जरा <गणागले> क्या सो <गणागले> ये वाला चलिए ठीक है रहना दीजिए जरा ध्यान से बच्चे सुनिएगा मेरी बातों को एवरीबडी कि मैंने क्या आपसे कहा कि बच्चे यहां पे आपने साफ साफ ये बात देख रहे हो कि बच्चे ए बी की साइड देखकर सी की साइड पूछ रही है तो बच्चे वो तो उसी के एक ही ट्राइंगल की बात की जा जाएगा तो इसका भी आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ठीक है बच्चे तो इस क्वेश्चन के भी आंसर क्या होंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड यानी कि तय नहीं किया जा सकता और बच्चे मैंने जान के ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि बच्चे आप लोग कुछ भी करो बस आंसर निकाल के बता दो हम यही चाहते थे आपसे आप लोगों ने वही काम किया कि चाहे जो भी हो जाए आंसर निकाल देंगे अच्छा श्रेया मुंडी पकड़ के आंसर निकाल देंगे अच्छा बहुत बढ़िया जी ओके बच्चे चलो उम्मीद है आप दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे तीसरे नंबर क्वेश्चन उसने कहा पैरिमीटर ऑफ डीई एफ पैरिमीटर ऑफ डीई एफ तो बच्चे देखो जरा ध्यान से इसका अगर मुझे पैरीमीटर बोल रहा है निकालने के लिए मैंने क्या आपसे कहा बच्चे कि इसका पैरीमीटर बोल रहा है निकालने के तो इसका पैरीमीटर कब निकाल पाएंगे बच्चे जब पहले वाले का पैरीमीटर दिया हुआ होगा तब ना हम दूसरे वाले का पैरीमीटर निकाल पाएंगे तो भाई पहले मारे पहले वाले का तो पैरीमीटर दे ही नहीं रखा है सिर्फ बच्चे एक साइड दिया है तो साइड से सिर्फ साइड का ही रेशियो निकलेगा ऐसा नहीं है कि एक साइड दिया है तो हम दूसरे साइड का मान निकाल सकते हैं लेकिन एक साइड को देने से दूसरे का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते बच्चे क्योंकि पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालने के लिए बच्चे तीनों साइड को होना जरूरी है तो चलो ठीक है एक साइड बारह पता है तो आपने इसको पंद्रह तो निकाल दिया नो no डाउट कोई दिक्कत नहीं है बच्चे बारह पता था तो आपने पंद्रह तो निकाल दिया लेकिन बाकी सबका क्या समझ पाएं मेरी बातों को तो इसका भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा तय नहीं किया जा सकता तो बच्चे मैं इतनी सी बात समझा पाया होगा कि हम कहां किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे और कहाँ किसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे पहले यह बात जानना जरूरी है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में बस क्या करें देखो और टूट पड़ो कि सर हम तो आंसर निकाल देंगे बस बात खत्म और यही होता है हमेशा ज्योमेट्री में यही काम होता है बिना पता चले हुए भी हम लोग क्या करते हैं कि बस आंसर निकालना चालू कर देंगे ठीक है बच्चे उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बच्चे चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को एवरीबडी ठीक है अच्छा थोड़ा सा बच्चे हम लोग थ्योरम के बारे में भी बात कर थ्योरम है क्या जरा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आज तो शायद नहीं हो पाएंगे सर कितने बजे तक क्लास है ग्यारह बजे तक ना हाँ, तो बच्चे आज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा लेकिन हम तब भी कुछ कंसेप्ट क्लियर करके आपको दे देंगे थेल्स नहीं हुआ तो मैं आपको कल डिस्कस करते हुए और बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे कल से क्लास की जो टाइमिंग आपकी नौ पंद्रह से है वही आपकी बच्चे क्लास की टाइमिंग रहेगी समझ पाए मेरी बातों को और आपको ऐप पे नौ पंद्रह से क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलिए बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस के हम बच्चे बात कर रहे हैं आप लोगों से चलिए चलो बच्चे देखो जरा ध्यान से एक ट्रायंगल आपका ये हो गया बच्चे एक ट्रायंगल मान लो बच्चे आपके पास ये हो गया इस ट्रायंगल का नाम है त्रिभुज ए बी सी और ये आपका ट्रायंगल है बच्चे त्रिभुज डी ई -E एफ ध्यान से देखना अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि इसकी वैल्यू मान लो 2.5 सेंटीमीटर है अच्छा एक चीज आपको और लिख दें कि बच्चे ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल है बच्चे वो इस वाले एंगल के बराबर है बच्चे आप सब समझ रहे होंगे कि ये तीसरा वाला एंगल क्या होगा इस तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा अभी बच्चे हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस घुमा सकता है और कैसे कैसे दिमाग पे लगा सकता है बस इतनी सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है बच्चे मैंने कहा कि ए बी की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है ठीक है बच्चे इसके बाद डी की लंबाई जो आपका है बच्चे 7.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है 7.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ठीक है बच्चे अब आपसे कहता है पहला नंबर क्वेश्चन फाइंड रेशियो ऑफ पैरिमीटर of triangle ABC and DEF triangle DEF जरा ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बातों को आपसे क्या पूछा गया बच्चे बोला गया कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप और त्रिभुज डीएफ के परिमाप का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि इसके परिमाप का अनुपात और इसके परिमाप का अनुपात कितना होगा ठीक है तो पहली बात तो आप ये देखो क्या कोरोस्पॉ साइड का रेशियो दिया है या नहीं दिया है या किसी और की वैल्यू दे दी है बच्चे तो देखो तीसरे एंगल की सामने वाली साइड कितनी है ढाई और यहां तीसरे एंगल की सामने वाली साइड कितनी है साढ़े सात तो बच्चे इसका मतलब यह साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कोरोस्पॉडिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है अगर बच्चे मैं इसको तो जब क्रोस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो जाएगा तो ढाई है बच्चे तो यह आपका ढाई और ढाई थ्री सेवन पॉइंट बच्चे अर्थात इसके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो अब हमारे पास पता है तो अब हम इसके पूरे खानदान को निकाल सकते हैं बच्चे मैंने क्या आपसे कहा कि अगर आपको यह पता है कि इसके क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो दिया हुआ है तब का भी रेशियो निकाल सकते हैं पेरीमीटर का रेशियो पूछेगा तब भी बच्चे क्या हो जाएगा वन इज टू थ्री अगर आपसे तब भी बच्चे point is to आ जाएगा कोरोस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो पूछेगा तब हम यहां पे हर एक की वैल्यू निकाल पाएंगे अगर इसी क्वेश्चन में जरा ध्यान से सुनना बच्चे अगर मैं आपसे कहता वो क्वेश्चन तो आपके पास था ही जो आपके पास वैल्यू दे रखी है अगर मैं आपसे कहता बच्चे क्वेश्चन दूसरा जरा ध्यान से सोचना बच्चे अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि इफ इफ मान लो बच्चे यहां से एक एल्टीट्यूड हाइट खींची गई है एच वन ठीक है एच वन इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास सेवन सेंटीमीटर और आपसे कहता फाइंड फाइंड यहां से बच्चे एक एल्टीट्यूड खींच दिया गया यहां से अब बच्चे इसका नाम मैंने दे दिया H2 टू और यहां से एक एल्टीट्यूड खींच दिया इसपे और इसका बच्चे नाम दे दिया हमने H3 थ्री तो मैंने आपसे बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे यहां पे भी ए नंबर क्वेश्चन कि एच वन इज इक्वल टू क्या होगा और दूसरा कि एच टू इज इक्वल टू क्या होगा ये दोनों मैंने आपसे पूछा है ठीक है बच्चे एच वन का मान भी ज्ञात करके मुझे बताओ और एच टू का मान भी ज्ञात करके बताओ तो जरा ध्यान से बच्चे पहले मेरी बात को सुनो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो पूछा है तो जो साइड का रेशियो होगा वही एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा यह बात आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे ठीक है बच्चे तो देखो यहां पे एक एंगल जो आपका पहला एंगल है उसके सामने वाली जो आपकी एल्टीट्यूड है वो दे रखी है मतलब अगर एक एंगल के सामने वाली एल्टीट्यूड दे रखी है तो मैं भी एक एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड ही निकाल पाऊंगा दूसरे किसी की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे समझ पाए मेरी बातों को अर्थात बच्चे ये वाले सिर्फ एल्टीट्यूड की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे इस वाले एल्टीट्यूड की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे और इसका बच्चे नाम था H2 टू और इसका नाम था बच्चे H3 थ्री अर्थात देखो एक एंगल के सामने वाली एल्टीट्यूड क्या है H1 तो बच्चे एक एंगल के सामने वाली जो एल्टीट्यूड है वो H2 है

एच थ्री की जो वैल्यू होगी बच्चे वो सात थ्री कितनी हो जाएगी इक्कीस सेंटीमीटर आंसर हो गया सिर्फ कोरोस्पॉ की हम बात कर रहे हैं बच्चा हाँ बिल्कुल एच थ्री की जो वैल्यू होगी वो इक्कीस सेंटीमीटर होगी और बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है कुछ बच्चे तो दिल भी खुश कर दिए एच टू का मान बताकर अब देखो बच्चे ध्यान से एच टू का मान कैसे निकलेगा ध्यान से देखना बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर एच टू का कैन नॉट बी डिटरमाइंड है उन सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है ठीक है बच्चे कैसे देखो जरा ध्यान से यहां बच्चे दूसरे एंगल के सामने वाला एल्टीट्यूड दिया था तो क्या यहां भी दूसरे एंगल के सामने वाली एल्टीट्यूड की बात की गई है नहीं जो आपसे पूछा जा रहा है यहां पे बच्चे कि एच टू का मान तो एच टू जो है वो दूसरे एंगल के एंगल के साथ जुड़ा हुआ एल्टीट्यूड है तो क्या यहां पे दूसरे एंगल के साथ जुड़ा हुआ एल्टीट्यूड दिया हुआ है नहीं जब नहीं दिया है तो आंसर बच्चे क्या हो जाएगा cannot be determined, अर्थात तय नहीं किया जा सकता है ठीक है बच्चे क्या नहीं किया जा सकता तो तय नहीं कर सकते, अर्थात क्वेश्चन का हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे बच्चे हाँ अगर मुझे इसका ये वाला एल्टीट्यूड मैंने क्या आपसे कहा बच्चे कि अगर आपसे ये वाला जो एल्टीट्यूड है बच्चे अगर इस एल्टीट्यूड का मान दिया होता तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन फिर उसका हम एच टू का मान निकाल सकते थे कब जब इस वाले एल्टीट्यूड का मान दिया होता तब नहीं तो हम नहीं निकाल पाते बच्चे उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ चुके होंगे देखिए अभी तक की जो भी क्लासे हैं बच्चे इनमें मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाया है कि कहां वैल्यू निकाल पाएंगे कहां वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ठीक है समझ पा रहे हैं मेरी बातों को ना हाँ सिर्फ मैंने आपको इतना ही सिखाया है कि मैं कहा आंसर निकाल सकता हूं और कहा आंसर नहीं निकाल सकते हैं किस परिस्थिति में आंसर निकाल सकते हैं इस पे जो कल की क्लास जो होगी बच्चे देखो आप ज्योमेट्री इसे समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री में कितना घुमा के मैं पढ़ाने वाला हूं और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चे उसकी आपको उम्मीद हो चुका होगा और नहीं तो कल परसों से आपको दिख जाएगा समझ पाए मेरी बातों को ऑफलाइन क्लास कब से है सर बच्चे अभी मैं कुछ नहीं कह सकता ऑफलाइन क्लास के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर सकता कि कब से क्लास होगी अच्छा बच्चे देखो यहां तक समझने में अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चों को डाउट है तो पहले आप मुझसे पूछिए किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चों को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहां तक कि एवरीबॉडी किसी के पास अगर कोई डाउट हो तो ठीक है सब समझ गए ओके अच्छा बच्चे एक चीज जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को एरिया का रेशियो वाला फिर से सर बता दीजिए पंकज कुमार चलिए बच्चे एरिया का रेशियो कुछ नहीं था अगर साइड का रेशियो दे रखा था और एरिया का रेशियो पूछ रखा था तो मैंने क्या आपसे कहा था हाँ मैंने क्या आपसे कहा बच्चे कि एरिया का रेशियो अगर आपसे पूछ रहा है और साइड का रेशियो दे रखा हो तो हम साइड के रेशियो या पेरीमीटर का रेशियो या मीडियन का रेशियो सबका हम स्क्वायर कर देंगे तो आपसे बच्चे क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा एरिया का रेशियो और अगर एरिया का रेशियो देखकर जस्ट अपोजिट कर देंगे अर्थात स्क्वायर रूट कर देंगे तो काम बन जाएगा अच्छा, अगर किसी बच्चों को अभी भी समझने में में दिक्कत हुई होगी तो मैं स्टार्टिंग जब मैं कल आऊंगा तो थोड़ा सा इन बातों पे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा लेकिन हल्का सा मैं आपको थ्योरी पूरा बताकर तभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा ठीक है बच्चे लेकिन इसको आप अच्छे से मेहनत करके अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छा एक बात सुनिए जो आपका सी का बच्चे जो एग्जाम हो रहा है जैसा कि मैंने कल भी आपको जो भी क्वेश्चंस मेरे पास बच्चे भेजे थे व्हाट्सएप पे उन सारे क्वेश्चनों को बच्चे मैंने क्या किया था डिस्कस किया था आप लोगों के सामने ठीक है तो देखो जो भी आपका दोस्त वगैरह है फ्रेंड वगैरह है उन सबको ये कहना बच्चे कि अगर एग्जाम कोई देने गया हो तो क्वेश्चन जो है बच्चे जो भी उसका मेमोरी बेस पे जो आपका क्वेश्चन है उसे हमें क्या करें जो अपने कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है वहां आप भेज दें बच्चे ताकि मैं रात को जब दस बजे लाइव आऊंगा तो वहां मैं उन सारे क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस कर दूंगा जिससे आपको यह भी पता चलता रहेगा कि सी में क्वेश्चंस का लेवल क्या आ रहा है जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कल का जो क्वेश्चन आपने देखा कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान थे जो मतलब मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन कभी एस ने पूछ सकता है क्या समझ गया बच्चे सर ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर कोई है क्या जिसमें बच्चा क्वेश्चन भेज सकता है टेलीग्राम पे ना हाँ बच्चे अगर टेलीग्राम पे पे आप पे आप आप एग्जाम अड्डा के टेलीग्राम चैनल अगर जुड़े हैं तो आप वहां भेज दीजिए सबसे बढ़िया जो भी आपको मेमोरी बेस्ट आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह जो भी होंगे उन सबको अगर जो भी जितने भी बच्चे एग्जाम दिए अगर आपके नजर में कोई बच्चा होगा और उसे एक भी क्वेश्चन अगर याद हो तो कहिएगा थोड़ा उसे भेज दे और गलत ना कोशिश करे गलत क्वेश्चन भेजने के लिए ठीक है हाँ लिंक आप भेज दिए हैं यूट्यूब चैनल पे आपको बच्चे लिंक भी आ गया टेलीग्राम चैनल का तो उन बच्चों को कहिएगा कि एग्जाम अड्डा के टेलीग्राम चैनल को ओपन करके और वहां पे एडवांस मैथ्स के नाम से है तो उसे आप क्या करेंगे बच्चे उसको ज्वाइन करवा के कहिएगा क्वेश्चन जो भी मेमोरी बेस पे होगा वो भेज देंगे बाकी बच्चे हम दस बजे रात को भी मुलाकात करेंगे दस बजे रात को मैं आपको बादल के आज के जितने भी पेपर होंगे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को बच्चे हम डिस्कस कर रहे होंगे ठीक है तो व्हाट्सएप नंबर क्या है सर? बच्चे व्हाट्सएप नंबर भी एक बार लिख लो जरा सेवन थ्री टू वन नाइन फोर फोर टाइम्स वन ठीक है बच्चे ये आपका व्हाट्सएप नंबर है अगर किसी बच्चों को मिलता है तो आप भेज सकते हैं ठीक है भाई तो ओके बच्चे वेस्ट ऑफ लक मुलाकात करते हैं बच्चे आज रात को दस बजे टेक केयर बाय